तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे जो पौधों के ऊपर पेस्ट अटैक करते हैं उनके इलाज के बारे में। तो कौन कौन से पेस्ट है जो अभी जो गर्मी शुरू होने के टाइम में अटैक कर रहे हैं, तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं, पूरे जो पत्तियां हैं पूरी फिल हो चुकी हैं, इतने ये पेस्ट ने अटैक किया हुआ है इसके ऊपर। कोई भी पत्ती ऐसी नहीं है जिनके ऊपर ये पेस्ट ने अटैक किया हुआ है। तो इसको काफ़ी कुछ अभी न्यू प्लांट होने की वजह से इसको फ्रूट भी लगा हुआ है, ये 3 ईयर का प्लांट है। तो कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर जो खट्टी लस्सी होती है उसका स्प्रे किया था, तो उसका रिजल्ट तो हमें मिला ज़रूर। कुछ पत्तियां हैं जो इसकी उसकी वजह से जो बर्न हो रही हैं, जो हमने लस्सी का यूज़ किया था। तो ये पेस्ट आप देख सकते हैं, पूरी पत्तियां फेल हो चुकी हैं, इतना पेस्ट इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं एक और कीट है जो ये हमारी हेल्प कर रहा है, ये दूसरे पेस्ट को खा रहा है। तो आज हम बताएंगे आपको इसके ऊपर कौन सी दवाई हम करना चाहते हैं। तो ये हमारा जो स्प्रे टैंक है, तो यहाँ पर हमने जो इसकी मेडिसिन रखी हुई है, इसके अंदर रखने के लिए जगह होती है। तो ये हमने ओपन कर लिया, ये जैसे सेवैयाँ होती है ना उसकी जैसी, तो इस ये डब्बी में पैकिंग आती है, तो हमने ये खुली ली है। तो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा हमने इसमें वाटर ले लिया है, तो थोड़ी हम डालेंगे 1 टीस्पून जितनी। तो ये आप देख सकते हैं हमने 1 टीस्पून जितनी इसमें जो ये डाल ली है। तो ये वाटर के अंदर जाते ही ये डिल्यूट होने लगी है। तो चलिए हम इसके टैंक के अंदर डाल के तो आपको स्प्रे कर कर बताते हैं, तो उसके बाद में आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया, तो ऐसा ये कलर निकल के आ रहा है इसका, तो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है ये। तो चलिए इसको वाटर टैंक में डालते हैं। पहले इसका जो ये नोजल ऊपर कर लेते हैं, इधर से जो हम कम ही डाल रहे हैं तो इसकी वजह से ये निकल ना जाए। तो देखिए दोस्तों, ये पेस्ट कितने हैं जो काफ़ी जो नीचे को जा रहे हैं, तो कुछ जो ऊपर को जा रहे हैं प्लांट के जो। तो अभी थोड़ी सी धूप होने की वजह से जो कुछ है जो नीचे को जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितने ये पेस्ट, काफ़ी ज़्यादा पेस्ट ने अटैक किया हुआ है। 2-3 दिन पहले कम थे, तो आज सुबह मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा पेस्ट है जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं प्लांट के। तो ये आप देख सकते हैं जो इसकी ब्रांच है वो पूरी फेल हो चुकी है, इतने पेस्ट है जो इतना अटैक किया है ना, बहुत ज़्यादा अटैक किया है इसके ऊपर। तो मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है, तो बस ये दिखाने के लिए आपको हमने थोड़ा सा किया है। नीचे से देखिए कितने पेस्ट है जो फूल हो रखा है, ये लाखों की संख्या में इसके ऊपर ये अटैक किया है। तो जो पत्तियां हैं ना, जैसे इसका रस चूस रहे हैं, तो पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिर रही हैं। कुछ जो हमने पहले लस्सी का यूज़ किया, तो उसकी वजह से जो ज़्यादा पुरानी थी लस्सी, उसकी वजह से जो पत्तियाँ बर्न हो गई, काफ़ी जगह से जो नई शूट निकल रही थी तो वो भी बर्न हो गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। तो पेस्ट काफ़ी कंट्रोल किया था उसने भी। तो ये हमने स्प्रे टैंक का जो उठा लिया है, तो अभी इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, अच्छी तरह से इसको नहला देंगे, इतना स्प्रे करेंगे, क्योंकि जो पत्तियों के नीचे हैं पत्तियां पूरी फेल हो चुकी हैं, इतना जो पेस्ट ने अटैक किया हुआ है इसके ऊपर। तो इसको काफ़ी फ्रूट भी लगा हुआ था, तो अच्छे से हम नीचे से भी जो पत्तियाँ के नीचे से भी ये स्प्रे पंप की मदद से जो पानी डाल देते हैं, स्प्रे डाल देते हैं। तो हमने पौधे को पूरा अच्छा तरीके से जो नहला दिया है, अभी इतना स्प्रे इसके ऊपर डाल दिया है जो हमने पूरा बनाया था इसी के ऊपर डाल दिया है। तो जब हमने पौधे को पूरा अच्छा तरीके से नहला दिया है जो हमने स्प्रे बनाया था उसकी मदद से, तो नीचे जो पत्तियाँ हैं काफ़ी गिर चुकी हैं, तो और भी हमारे प्लांट जो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं इसकी वजह से। तो चलिए इसकी अपडेट आपको दिखाते हैं उसके बाद में कैसा इसका रिजल्ट हुआ है जो। तो ये प्लांट की हालत आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है अभी, तो जो पेस्ट है वो सभी के सभी डेड हो चुके हैं बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, जिधर जिधर पेस्ट रुके हुए थे वहीं रुक गया, अभी वहीं पर आप हिलते हुए देख रहे हैं थोड़े थोड़े से। तो जितने पेस्ट थे वो मरकर नीचे गिर चुके हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो पहले आपने देखा था कितने पेस्ट इसके ऊपर जो चल रहे थे, तो अभी देख सकते हैं आप जो कुछ कुछ हिल रहे हैं, बस जिंदा नहीं है, बस मरने वाले ही हैं कुछ टाइम में। तो नीचे आपको दिखाते हैं जो पेस्ट है जो गिरे हुए हैं, ये पूरे पेस्ट नीचे गिर चुके हैं। इतना असरदार जो कारीगर दवाई है, जो इतना अच्छा काम किया हमारा प्लांट है जो बच गया इसकी वजह से। तो इतना पेस्ट ने अटैक किया था, नहीं तो हमारा प्लांट जो मर जाता। तो हम रेकमेंड करते हैं जब भी आपके प्लांट को ऐसा सिचुएशन आए, तो आप ज़रूर एक बार ये मेडिसिन, हमने पहले आपको दिखा दिया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसका।
तो ये आप देख सकते हैं जो पूरे डेड हो चुके हैं। तो ऐसा है हमारा पत्तियाँ जो इसकी बहुत काफ़ी सारी गिर चुकी हैं, तो इसका आगे भी रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। जो पेस्ट इसके ऊपर थे ये देखिए ब्लैक ब्लैक हो चुके हैं, जल चुके हैं, इसके ऊपर बिल्कुल ही मर चुके हैं ये पत्तियों के नीचे। ये आप देख सकते हैं कितने पेस्ट थे, भरी हुई थी ये, तो अभी पूरी ब्लैक हो चुकी हैं, ये मर गए हैं सभी के सभी। तो इसका रिजल्ट आगे आपको दिखाते हैं, उसके बाद में पौधे का एक हफ्ते के बाद में क्या कुछ हुआ। तो काफ़ी अच्छी अभी पौधे ने ग्रोथ कर ली है, तो ये आप देख सकते हैं नई नई शूट्स और भी निकाल रही हैं। तो पर इसमें एक प्रॉब्लम जरूरी है, जो हमारा फ्रूट लगा हुआ था वो पूरा का पूरा जो ख़राब हो चुका है, छोटे छोटे से कुछ 8-10 फ्रूट लगे हुए थे इसको, तो वो पूरे के पूरे जल चुके हैं। जो हमने लस्सी का स्प्रे किया था उसकी वजह से, तो जो हमने स्प्रे किया था जो पेस्टी केमिकल वाला, उसकी वजह से कोई इसको प्लांट को नुकसान नहीं हुआ हमारे को। तो बहुत ही अच्छा अभी प्लांट वर्किंग कर रहा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो आपको फ्रूट भी दिखाते हैं, इसका फ्रूट का क्या हालत हो गया है। यहाँ पर 4-5 फ्रूट लगे थे, अभी 2 ही रह गए हैं यहाँ पर। तो फ्रूट है ऐसा हो गया कि जैसे बीज से सूखने लग गया ना, अंदर से सिकुड़ने लग गया है फ्रूट, ऐसा हो चुका है फ्रूट। जो फ्रूट की हालत है, जो पेस्ट ने इसका रस चूस लिया उसकी वजह से हुई है, तो जैसे ये सूख चला है ऐसा हो चुका है ये। तो चलिए प्लांट आपको दिखाते हैं, प्लांट की अभी ग्रोथ जो बहुत अच्छी हो रही है, इसके जो पेस्ट काफ़ी पूरे के पूरे मर चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक